हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन पर आधारित एक छोटा सा प्रश्न और ये है रैंडम मॉड्यूल से रिलेटेड। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे हम रैंडम मॉड्यूल को, और यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद एंटर करेंगे, और यहाँ पर एक हम बनाते हैं सिग्नल के नाम से। सिग्नल इज इक्वल टू लिस्ट है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है रेड, ठीक है, फिर कॉमा लगा करके फिर येलो, फिर यहाँ पे ग्रीन दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में ग्रीन है, तो यहाँ पे GREEN ग्रीन कर दिया। अब इसको बंद करेंगे यानी ये लिस्ट प्रिपेयर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक लूप है, फॉर लूप लगाया गया है और कहा गया है कि फॉर के इन रेंज RANGE, और यहाँ ब्रैकेट को ओपन किया गया, और यहाँ पर स्टार्ट किया गया है 2 से और एंड किया गया है कहाँ पे, 0 पे, और फिर यहाँ पे -1 स्टेप चला गया है, और फिर यहाँ पर प्रिंट करवाया गया है सिग्नल को, ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से प्रिंट, और यहाँ पे क्या किया गया है, सिग्नल को प्रिंट करवाया गया है। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ SIGNAL सिग्नल, ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है यहाँ पे प्रिंट करवाया गया है K को, K, ठीक है, और फिर कॉमा लगा करके एंड END इज इक्वल टू यहाँ पे डबल कॉमा में हैश लिखा गया है। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि ये चलेगा तो क्या, कौन सा आउटपुट आएगा इसमें, ये कंफ्यूजन भी रहती है हमेशा। तो यहाँ पर और वैसे भी यहाँ पर जो ये फॉर लूप लगा हुआ है इसमें आप देख सकते हैं के इन रेंज 2 है, तो 2 का मतलब ये स्टार्टिंग है, तो 2 जरा देखिए कहाँ पर आ रहा है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो ग्रीन तो यहाँ पर प्रिंट होगा ही होगा। पहली बात की यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट होगा, ग्रीन प्रिंट हो जाएगा, और ग्रीन के बाद क्या प्रिंट होगा, क्योंकि हर बार जो है एंड के साथ मतलब एंड करना है तो हैश के साथ करना है, तो ग्रीन के बाद यहाँ पे हैश भी प्रिंट होगा, ठीक है। ये हैश तो कमेंट करने के लिए मैंने लगाया है, इसको मत इंक्लूड कीजिएगा, ये है आपका आउटपुट, यहाँ पे हैश भी आएगा, और हैश आने के साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है 0, तो 0 लास्ट है, तो लास्ट -1 क्या होता है, अब फिर तो -1 पे चला जाएगा ये, लेकिन यहाँ पर स्टेप भी दिया गया है, तो देखिए स्टेप दिया गया है तो स्टेप -1 है, तो 0 यहाँ पर आ रहा है, और 0 को अगर माइनस कर दिया जाए यानी इसको हटा दिया जाए तो फिर हमारे पास येलो ही बचता है, यानी -1 अगर स्टेप कर देते हैं तो फिर हमारे पास येलो बचता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा YELLOW, और यहाँ पे हैश लगा रहेगा, क्योंकि हैश तो हर बार लगाना ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है। अब इसको एक बार चलाते हैं, सेव तो किया ही है हमने, इसको एक बार चलाते हैं, तो देखिए यहाँ पर ग्रीन और येलो ही आपको आउटपुट में दिखाई पड़ रहा है जैसा कि मैंने दिया है, ठीक है।